इब्राहिम हारान में रहता था। इब्राहिम, परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हारान छोड़कर दूसरे देश में चले जाओ। परमेश्वर ने इब्राहिम को यह नहीं बताया कि वह कहां था। मुझ पर विश्वास करो, भगवान ने कहा। ऐसा करो, भगवान ने कहा, और तुम्हारे बच्चे एक महान राष्ट्र बन जाएंगे। कैसे? इब्राहिम को आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। मुझ पर विश्वास करो, भगवान ने कहा। जहां मैं तुमसे कहता हूं वहां जाओ, भगवान ने कहा, और आकाश में जितने तारे हैं उसे कहीं अधिक तुम्हारे वंशज होंगे। वे पूरी दुनिया को आशीर्वाद देंगे। मुझ पर विश्वास करो। इसलिए इब्राहिम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने सारा, अपने भतीजे लूत और उनकी सभी चीजों को ले लिया। वह वहां गया जहां भगवान ने उसे जाने के लिए कहा। वह कनान देश में गया। जब वह पहुंचा तो इब्राहिम ने शकेम में डेरा डाला। भगवान ने उसे दर्शन दिए। परमेश्वर ने कहा, मैं यह भूमि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम ने वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई भूमि के चारों ओर यात्रा की। वह खुश था कि उसने भगवान पर भरोसा किया था, इसलिए उसने एक और वेदी बनाई और उससे जो वादा किया गया था उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम से एक पुत्र और उस पुत्र से अनेक वंशजों का वादा किया जो पूरी दुनिया को आशीर्वाद देंगे। लेकिन इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े थे। 20 साल बीत गए, फिर भी इब्राहिम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। जब वह 100 वर्ष के थे और सारा 90 वर्ष की थीं, तब परमेश्वर ने उन्हें अपना वादा याद दिलाया। सारा को होने वाला था बच्चा। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो सारा इतनी खुश हुई कि वह हंसने लगी। भगवान मेरे लिए हंसी लाए हैं, उसने कहा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है वह हंसता है। जब इसहाक एक लड़का था तो भगवान ने इब्राहिम की परीक्षा लेते हुए उससे कहा कि वह इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाए और उसे भगवान के बलिदान के रूप में मार डाले। इब्राहिम भ्रमित था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। इसहाक ने लकड़ी उठाई और इब्राहिम ने चाकू और मशाल उठाई। वे एक साथ पहाड़ पर चढ़े। बल्ली के लिए मेमना कहां है? इसहाक ने पूछा। भगवान इसे प्रदान करेगा, इब्राहिम ने उत्तर दिया। इब्राहिम ने लकड़ी को वेदी पर व्यवस्थित किया और इसहाक को बांधा और लकड़ी पर लिटा दिया। जैसे ही उसने इसहाक को मारने के लिए चाकू उठाया, एक स्वर्गदूत ने उसका नाम पुकारा, अब्राहम। लड़के को चोट मत पहुंचाओ, देवदूत रोया। भगवान जानता है कि आप उसके वादे पर भरोसा करते हैं। देखो, वहां झाड़ियों में एक मेढ़ा उसके सींगों से पकड़ा गया है। इसके बदले में उसका बलिदान करो। इसलिए इब्राहिम ने अपने बेटे के बदले मेढ़े की बलि चढ़ाई। उन्होंने उस स्थान को भगवान प्रदान करेगा कहा, क्योंकि भगवान ने बलिदान प्रदान किया था। जैसा परमेश्वर ने कहा था उसका वादा पूरा हुआ।